कह लेते हैं कि डूटा को लेकर यहाँ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है अपनी मांगों को लेकर। मैडम आपका नाम? डॉक्टर मंजुला ग्रोवर। मंजुला ग्रोवर, मंजुला ग्रोवर जी, आपका इस तरीके से यहाँ एक इनकलाब के नारे लगा रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी बहुत सब मांगे हैं पूरी ड्यूटा में, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सिर्फ हमारा कॉलेज नहीं, ड्यूटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें मेन प्रॉब्लम हमारी जो इन्होंने 70-30% का ग्रांट का सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए किया है, प्लस एडहॉकिज्म, प्लस बहुत सब API स्कीम्स, प्रमोशन पॉइंट्स, बहुत सब मुद्दे हैं जिनके लिए आज सारे ड्यूटा के बैनर के नीचे हम इकट्ठे हुए हैं। और ये आज पहला दिन नहीं है, ये हमारा लास्ट वीक से ये डेमोन्स्ट्रेशन चलती जा रही हैं। स्ट्राइक भी थी आज, कर्मचारी, स्टूडेंट्स और टीचर्स सब एक साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द यूनिवर्सिटी। मैम अभी कुछ UGC पे भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, UGC से इन्हीं मांगों को लेकर खासकर जो ये 70-30% का इन्होंने 30% जो फाइनेंसिंग है वो कॉलेजेस खुद करेंगे, उसके अगेंस्ट जो है सब UGC में, क्योंकि उसकी रेपरकशन स्टूडेंट्स पर पड़ेगी। मंजुला जी, क्या कारण है कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं एजुकेशन को? क्या कारण है? सरकार बेहतर जानती है क्या चाहते हैं वो, यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा पुराना हमारा जो करेक्टर है उसके लिए सरकार बेहतर जवाब दे सकती है कि क्यों वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं।